स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल. ओके, द टू मेन गोल्स ऑफ दिस मूवमेंट वर द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स. दो मेन एम्स क्या थे कि हम स्वदेशी गुड्स अपने हाथ का बने हुए गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स, और जो फॉरेन गुड्स हैं जो जिससे यहाँ इंडियन मार्केट उस वक्त भरी हुई थी उसको यूज नहीं करेंगे ताकि ब्रिटिशर्स के ऊपर फाइनेंशियल असर पड़े, सच एज ब्रिटिश क्लॉथ, शुगर एंड अदर गुड्स. अ बॉयकॉट रिजोल्यूशन वॉज पास इन कैलकटा सिटी हॉल एंड ऑन ऑगस्ट 7, 1905, वेयर इट वॉज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द यूज ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ एंड सॉल्ट फ्रॉम लिवरपूल. लिवरपूल से जो सॉल्ट आ रहा था और मैनचेस्टर से जो क्लॉथ बन के आता था उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, यूज नहीं करेंगे. ये डिसीजन, ये रेजोल्यूशन, ये डिसाइड किया गया, ये रेजोल्यूशन लिया गया कैलकटा सिटी हॉल में 7 अगस्त 1905 की मीटिंग में. इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारिसल द मासेस अडॉप्टेड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स. वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश क्लॉथ एंड सोल्ड देयर फेल शार्पली. वंदे मातरम बिकेम द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट थीम सॉन्ग. और बारिसाल डिस्ट्रिक्ट में मासेस ने अडॉप्ट की इसको, उन्होंने फॉरेन मेड गुड को बॉयकॉट किया. वंदे मातरम और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का थीम सॉन्ग बन गया. द बॉयकॉट एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स ऑल बिकेम कॉमन. ये सब चीज़ें उस वक्त कॉमन हो रही थी, बॉयकॉट करना, सामान नहीं लेना. और चौराहों पे ऑन द क्रॉस रोड्स फायर बना के फॉरेन गुड्स को जलाना, दुकानों को बंद करना, पिकेट कर देना, ये सब वहाँ कॉमन हो गया था. ऑल बिकेम कॉमन इन रिमोट कॉर्नर ऑफ बंगाल एज वेल एज इन मैनी मेजर सिटीज टाउन अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में. अनदर फॉर्म ऑफ मास मोबिलाइजेशन वाइडली यूज स्वदेशी मूवमेंट वॉज कॉर्प्स और वॉलंटियर्स. समितिज बनाई गई. अश्विनी कुमार दत्त स्कूल टीचर सेट अप द स्वदेशी बंधप समिति इन बरिसाल. बरिसाल में उन्होंने समिति बनाई. द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल्स इन वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र में वर ऑर्गेनाइज बाय लोकमान्य तिलक. ने इन दोनों फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया टू स्प्रेड दी स्वदेशी मैसेज, ताकि स्वदेशी के मैसेज और अपनी देश के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग और बढ़े. एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स अमंग द मासेस में बॉयकॉट मूवमेंट बढ़ता रहे. द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन आत्मशक्ति. उन्होंने आत्मशक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया और सेल्फ रिलायंस होना एज अ मीन्स ऑफ री असर्टिंग अ नेशनल डिग्निटी अमंग द मासेस, ताकि लोगों के अंदर नेशनल डिग्निटी की फीलिंग पैदा हो. इन द फील्ड ऑफ नेशनल एजुकेशन दिस एम्फसिस ऑन सेल्फ रिलायंस वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट. बहुत प्रोमिनेंट था नेशनल एजुकेशन में इस सेल्फ रिलायंस की फीलिंग का आना. द नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड विद इट्स प्रिंसिपल एंड अरबिंदो घोष. इसी प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल इसी पी एल ई शुड बी हियर दिस इज अ रॉन्ग वर्ड मिस स्पेल वर्ड है ये इसी प्रिंसिपल पे इसको बनाया गया. नेशनल कॉलेज कलकत्ता ऑफ बंगाल को फाउंड किया गया इसी उद्देश्य के लिए. एज अरबिंदो घोष न्यूमरस नेशनल स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स पूरी कंट्री में बने इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में. द नेशनल एजुकेशन काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ऑगस्ट 1996 और 1996 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी फॉर्म हो गई. दिस पीरियड सॉ एन एक्सप्लोजन ऑफ टेक्सटाइल मिल्स. इन्हें टेक्सटाइल मिल्स को की फैक्ट्रीज को बढ़ते हुए देखा. ऑफ सोप एंड मैचेस, साबुन और मैस्टिक्स की, टेनरीज की, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ बढ़ता गया. दी स्वदेशी कंपनीज वर सेट अप एंड रन एज अ रिजल्ट ऑफ पेट्रियोटिक फ्रेवर. जो फ्रेवर जो फीवर चढ़ा हुआ था उस वक्त, फ्रेवर फेवर जो चढ़ा था, जो एक जुनून था अपनी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग का, उन्हीं में ये सारी जो कंपनीज हैं वो इस्टेब्लिश हो पाई. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कैप्चर द पॉपुलर इमेजिनेशन
एंड सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इसी तरह जहाँ जहाँ नहीं फैला था वहाँ भी फैल गया, सच एज पूना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली एंड मद्रास. मद्रास तक वो आ गया.